इतिहास में अनेक घटनाएं घटती हैं और वह दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। आज 30 अगस्त है और आज के दिन संविधान निर्माण के क्रम में महत्वपूर्ण घटना हुई और वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ड्राफ्टिंग कमेटी वह कमेटी थी जिसने संविधान के प्रारूप को तैयार किया, उस पर बहस किया और संविधान जो अंतिम रूप में आया उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था और 29 अगस्त 1947 को तो हुआ, लेकिन आज 30 अगस्त को इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति जिसने संविधान के प्रारूप को फाइनल वर्जन को अंतिम रूप दिया। आज इसी के बारे में संक्षिप्त में चर्चा में करूंगा। सबसे पहले संविधान का जो एक प्रारंभिक प्रारूप था वो प्रारंभिक प्रारूप बनाया था जो संविधान सभा के सलाहकार थे B.N. Rao। तो B.N. Rao ने जो प्रारूप बनाया वह प्रारूप हैंडओवर किया गया प्रारूप समिति को यानी ड्राफ्टिंग कमेटी को। 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी 1947 में बनाई जाती है और इसमें 7 सदस्य रखे गए, 7 मेंबर, और 7 दिग्गज लोग थे उस समय। 1947 की ये बात है, 29 अगस्त 1947, और इसमें थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनको चीफ ड्राफ्ट्समैन कहा जाता है यानी मुख्य प्रारूपकर्ता। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे और अंबेडकर के अनुसार जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट, अंबेडकर उनको मानते थे चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरे मेंबर थे एन गोपाल स्वामी, चौथे मेंबर थे के एम मुंशी, पांचवें मेंबर थे मोहम्मद शादुल्ला। ये मुस्लिम लीग के एकमात्र सदस्य थे जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। B.L. मित्तर ड्राफ्टिंग कमेटी में थे और बाद में इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, तो इनके जगह पर यानी B.L. मित्तर के जगह पर N. माधव राव ड्राफ्टिंग कमेटी में आए। D.P. खेतान ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे लेकिन इनका बीमारी के बाद निधन हो गया। T.T. कृष्णामाचारी D.P. खेतान की जगह पर आए। कुल मिलाकर 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बना और इसकी प्रथम मीटिंग हुई 30 अगस्त 1947 को, यानी आज ही के दिन 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक होती है और इसमें अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। पूरा जिम्मेवारी इसी कमेटी का था क्योंकि संविधान निर्माण के लिए अनेक कमेटियां बनी, सभी कमेटी ने अपने अपने विषय पर कार्य किया, डेलिब्रेशन किया और हैंडओवर कर दिया। अब सबको जोड़ना था तो शुरुआती कार्य जैसे मैंने कहा B.N. Rao ने करके दे दिया था अक्टूबर 1947 में, लेकिन उसके बाद उसको फाइन ट्यून करने का काम इस ड्राफ्टिंग कमेटी को था जिसमें 7 लोग थे और डॉक्टर अंबेडकर उसको चेयर कर रहे थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद जो है 21 फरवरी 1948 को संविधान का पहला प्रारूप सामने लाया और इस पर जनता से भी राय मांगा गया, अन्य लोगों से भी राय मांगा गया। इसके बाद दूसरा ड्राफ्ट आया अक्टूबर 1948 में और इसमें अनेक व्यू को शामिल किया गया, जो भी फीडबैक मिला। इस प्रकार 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान सभा को लगा और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हो गया। बहुत से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए।
हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, और पूरा संविधान 100% 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो इतिहास में वह तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है, और वह तिथि आज की है, यानी 30 अगस्त 1947 जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे। वह भी एक दिन होगा जब पूरे संविधान सभा ने, जिसमें एक से एक दिग्गज लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सब लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर पर विश्वास करते हुए उनको कमान एंड कंट्रोल दिया था। किसका? ड्राफ्टिंग कमेटी का। और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम सबसे मुश्किल था, क्योंकि अनेक जो कमेटियां बनी थी उस कमेटी का अलग अलग रिकमेंडेशन, यानी उसका ये तरह से आया था, रिकमेंडेशन आया था, उसको जोड़कर कंबाइन करना, दैट वाज अ मेजर चैलेंज। और ये 7 सदस्यीय कमेटी ने इस चैलेंज को बखूबी निभाया, पहला ड्राफ्ट दिया, दूसरा ड्राफ्ट दिया, और अंत में 26 नवंबर 1949 को यह काम पूरा हो गया। कृतज्ञ भारत ऐसे लोगों को, संविधान निर्माताओं को याद करता है, क्योंकि वो डेट भूलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।